जितने भी लोग भाई ये वीडियो देख रहे, तुम सब में से कितनों को लगता है कि कीर्ति मेहरा को हर एक पॉडकास्ट में ब्लॉगर होने की वजह से नहीं, एल्विश यादव के साथ पास्ट में कनेक्शन होने की वजह से बुलाया जाता है। तुम कीर्ति मेहरा का कोई सा भी पॉडकास्ट उठाकर देख लो, घूम फिर कर बात एल्विश यादव पर आ ही जाती है और फिर वो पूरा पॉडकास्ट एल्विश यादव पर ही खत्म हो जाता है। जबकि लड़की उस बारे में बोलने तक को इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर वो सामने बैठ चुकी है तो उसे अब बात करनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा यार, कीर्ति को अपनी इंस्टाग्राम रील्स के कमेंट्स में और अपने यूट्यूब के कमेंट्स में एल्विश यादव का नाम जोड़कर कुछ भी बोल दिया जाता है। उन्होंने भाई एक पॉडकास्ट में उन सबका रिप्लाई किया और वो उनके बारे में क्या सोचती है तुम खुद ही जान लो। एक चीज पे मैं बात कर सकती हूँ इस पे, कि कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं आपने तो धोखा दे दिया, आप तो छोड़ के चले गए, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। और मैंने हमेशा ये बोला है कि गाइस मेरी जो लाइफ है वो आप लोगों के सामने खुली किताब है। मुझे कोई भी पेज आप बोलोगे ना उठा के इसको पढ़, मैं पढ़ने को तैयार हूँ। सामने वाला रेडी है बोलने के लिए? नहीं है। तो मैं आके कितना इंसल्ट करवा सकती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे लिए भी ये डिसरिस्पेक्टफुल है ना। मैं आऊँ सोशल मीडिया पे, मैं अच्छा अच्छा बोल के जाऊँ, विशेष दे के जाऊँ और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इतने इंटरव्यूज दिए हैं, जितने पॉडकास्ट में गई हूँ, हर जगह मैंने अच्छा ही बोला है। मैंने स्टोरीज में भी सपोर्ट किया, मैंने एक वीडियो डाली थी और मैंने बोला था मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो है बिग बॉस से रिलेटेड। तो मैंने बोला कि अब मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे को आके बोले यार व्यूज के लिए तू डाल दिया। तो यार इन सब चीजों पर तुम्हारे विचार भी मुझे कमेंट में बता देना, और तुम्हें अगर ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।